तो यहाँ पर आप लोगों ने दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं कि बोल्ट Z60 को रिव्यू करना चाहिए, तो हमने इसको पर्सनली परचेज कर लिया है, आ चुके हैं अपने कुरुक्षेत्र में। तो आइए करते हैं इसकी बढ़िया तरीके से टेस्टिंग। तो यहाँ पर आप देखिए फिटिंग टेस्ट करने के लिए कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अभी उसका मैं कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ, ऑफिस के बाहर रोड साइड कंडीशन पे खड़ा हूँ, तो मेरी आवाज़ तुम्हें कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, आप लोगों की रिकमेंडेशन से हमने यहाँ पे परचेज कर लिए हैं बोल्ट Z60 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 1100-1200 रुपए के आसपास और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसके आउटपुट को लेकर मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूँ। आपको सारी टेस्टिंग दिखाऊंगा, इसमें आपको गेमिंग मोड मिलने वाला है, फुल टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे, 4 माइक्स का सेटअप मिलने वाला है, एक एक टेस्टिंग करेंगे ताकि एंड तक पहुंचते आप खुद ही डिसाइड कर ले आराम से सारी टेस्टिंग देखने के बाद कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं यहाँ पे इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ शुरुआत। तो यहाँ पर आपको बोल्ट Z60 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे बिल्कुल आपको यहाँ पे डिसेंट सा बॉक्स मिल जाएगा और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। इसके बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए, हम सब डिटेलिंग में आगे चेक करेंगे, इसको करेंगे क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड मिलने वाली है, आप यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं ब्रांड की तरफ से। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसका आपको सारी डिटेलिंग मिलने वाली है, इसके टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे ये ईयरबड्स है बाबा की चॉइस भी हैं, साथ ही एक छोटी सी आपको लेंथ की टाइप सी की केबल मिलने वाली है टू चार्जर केस, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आपको ऐसे बिल्कुल मैट फिनिश का सूट केस डिजाइन का यहाँ पर आपको केस मिलने वाला है। फ्रंट में आपको बोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया केस पे, और जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको सही मिल जाएगी उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और ये कॉम्पैक्ट सा ही केस है, इसको आराम से पॉकेट में कैरी करते हैं, बैग में कैरी करते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेके कोई इशू नहीं आने वाला है। और केस को आप ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स प्रॉपरली पैक्ड है, इसमें आपको लेफ्ट और राइट भी क्लियरली मेंशन किया गया है। इसमें आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर मैग्नेट्स, ईयरबड्स गिरते नहीं है केस के अंदर से, और जो लॉक दिया गया है वो आपको काफी प्रॉमिसिंग मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ऐसे लॉक बंद नहीं होता है, इसको आपको ऐसे मैनुअली बंद करना पड़ेगा। बिल्ड को लेकर मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा केस पार्ट को लेकर। और बड्स आपको मिलने वाले हैं स्टेम शेप के, यहाँ पर देख सकते हैं लुक एंड फील, जो कलर कॉम्बिनेशन है काफी अट्रैक्टिव दिया गया है। बोल्ट के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दोनों में ही मिल जाएगी, इसमें आपको लेफ्ट राइट साफ साफ मेंशन किया गया है, मैट फिनिश और ग्लॉसनेस का कॉम्बिनेशन दिया गया है। लुक एंड फील को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी बड्स की। प्रॉपर ईयर कफ्स लगाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से, फिटिंग आपको यहाँ पे सही मिलने वाली है, कानों को अच्छे तरीके से पैक करते हैं। और आप बोल सकते हैं ईयरबड्स लगाते से ही 80% तक बाहर की नॉइस कैंसिल हो रही है, फिटिंग को लेकर कोई इशू नहीं लगा। लुक एंड फील भी कानों में काफी अट्रैक्टिव प्रोवाइड किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन सही है, आप चाहते हैं हैवी एक्टिविटीज कर लीजिए, मैंने काफी कोशिश की हुई उछल कूद के, कानों से बिल्कुल नहीं गिरते हैं, बड़ी आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। फुल टच कंट्रोल्स इसमें आपको मिलने वाले हैं, साथ ही में इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप केस को यहां पे ओपन करेंगे, ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं, लेकिन ये लास्ट पे डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा प्रॉपर तरीके से। और यहां पर आप केस को बंद कर देंगे, इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, डिसेंट तरीके से इसका IWP फीचर वर्क करता है। फीचर्स की बात करेंगे, इसमें आपको मिलने वाला है लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, कॉर्ड माइक्स का सेटअप विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर, कॉम्बैक मोड गेमिंग मोड मिल जाएगा, 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और टोटल आप मैसिव 60 आवर्स तक का प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। इसमें आपको लाइटनिंग बोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे लगभग यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। फीचर्स काफी इंप्रेसिव है, फीचर्स पार्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे यहाँ पे। और टच कंट्रोल्स की बात करेंगे, फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, उनका हिसाब किताब ऐसा है अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को डबल टैप करेंगे प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा, राइट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और यहां पर अगर आप किसी भी ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप कमांड देकर यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहां पर ना अगर आप किसी भी ईयरबड को 4 बार टैप करेंगे तो ये गेमिंग मोड कॉम्बैक मोड में एंटर करता है, हालांकि आपको कानों में कोई प्रॉम्प्ट सुनाई नहीं देगा, कोई आवाज नहीं आएगी एंटर होने के, जो बोलते हैं ना कि प्रॉम्प्ट आता है कानों में गेम मोड करके वो आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन एक बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक साइलेंट आ जाएगा। अगर आप गाना सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 4 बार टैप करेंगे तो 1 सेकंड के लिए गाना पॉज हो जाएगा, मतलब ये ना गेमिंग मोड में एंटर करता है और एग्जिट करता है अगर आप 4 बार टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को। तो किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। टच रिस्पॉन्सिव है, उनको लेके कोई दिक्कत नहीं लगी। और जो कॉम्बैट मोड दिया गया है गेमिंग मोड, 50 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है, आप देख लीजिए एक BGMI का गेम टेस्ट।
गेमिंग आपको इसमें बढ़िया मिल जाएगी, जो इनऑडियो एक्सपीरियंस से लाउड और क्लियर मिलने वाला है। एनिमीज कहाँ से आ रही है, लेफ्ट से कि राइट से, आपको जो स्टीरियो सेपरेशन है आप क्लियरली पता कर पाएंगे। जो 50 मिली सेकंड लेटेंसी क्लेम की है बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, आपको ज़्यादा लेटेंसी नहीं मिलने वाली है, इसको आप अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको मिलेंगे 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट। लाउडनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है फुल वॉल्यूम पे, आप मतलब मेरे हिसाब से अवॉइड ही कीजिएगा सुनना। आप 70-80% वॉल्यूम पे भी सुनते हैं आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बढ़िया आपको वोकल्स, अच्छे आपको ट्रेबल्स और बेस भी इसमें आपको मिलने वाला है पावरफुल। मतलब आप नहीं कम बेस बोल पाएंगे, नहीं एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस पाएंगे, आप बोल सकते हैं पावरफुल बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। लगेगा प्रॉपर आपको पंचनेस मिलने वाली, अच्छे आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स मिल रहे हैं, इफेक्ट सराउंडिंग मिल जाएंगे बेस पार्ट को लेकर, अच्छे आपको ट्रेबल्स वोकल पे सही क्लैरिटी मिल जाएगी। बस जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है वहां बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लगेंगे इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को लेके, डिसेंट आपको इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन मिलने वाला है। बाकी आउटपुट काफी आपको इंप्रेसिव मिल जाएगा, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं लगी म्यूजिक और बेस को लेके। और इसमें ना साउंड लीकेज का इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि लाउडनेस बहुत ज्यादा दी गई, जैसे आप 70% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे तो साइड में जो बैठा हुआ है एक्जैक्टली बता देगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत यहां पर आपको साउंड लीकेज का इशू भी देखने को मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको टोटल 4 माइक्स मिलने वाले हैं, 2-2 माइक्स दोनों ईयरबड्स में विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर। दीक्षा रिव्यू सिस्टम आप देख लीजिए, DRS। हेलो, हाँ दीक्षा क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, बेबी घर पर है तो उसी को रेडी कर रही थी, अभी आज की छुट्टी है ना, सैटरडे है। हाँ छुट्टी है बेबी की, बढ़िया यार। यहाँ पे मेरे पास अभी ना बोल्ट Z60 करके ट्रूवेलेस ईयरबड्स है, मैंने परचेज किए हुए हैं, तो अभी उसका मैं कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ ऑफिस के बाहर रोड साइड कंडीशन पे खड़ा हूँ। तो मेरी आवाज़ तो मैं कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज़ तो मतलब क्लियर आ रही है, वोकल्स क्लियर लग रहे हैं और लाउडनेस एडिक्वेट लग रही है मुझे, मतलब जितनी होनी चाहिए परफेक्ट है। ठीक है, और मुझे ऐसे बैकग्राउंड की एक्टिविटी ऐसा कोई पता नहीं चल रही है अभी खास। अच्छा, हाँ, काफी गाड़ियां जा रही है साइड से, हल्की सी पता चली, अभी कुछ गया तो मतलब हल्का सा पता चला, लेकिन कॉलिंग में इतना मुझे इफेक्ट नहीं लग रहा, मुझे ध्यान सुनना पड़ा तब मुझे पता चला कि हाँ कुछ मतलब गया, लेकिन कॉलिंग में कोई इफेक्ट नहीं कर रही है। मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज तुम फोकस बोल सकती हो एक तरीके से? 80-85%। अच्छा, ओवरऑल कॉलिंग कैसी तुम्हारे हिसाब से? अच्छी है, अच्छी है, मतलब मुझे इतना कोई मतलब लाउडनेस भी मतलब एडिकेटेड, लाउडनेस एडिकेट है, मतलब परफेक्ट है, मतलब जितना होना चाहिए उतना है, बहुत ज्यादा नहीं तो मतलब जितना होना चाहिए उतनी है। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हाँ बाय। कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा यहाँ पे कॉलिंग कैसे मिलने वाली, काफी आपको इंप्रेसिव कॉलिंग मिल जाएगी, इंट्रो कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आउटर कंडीशन में भी काफी आपको बढ़िया कॉलिंग मिलने वाली है। रेटिंग्स करेंगे अब हम, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10, तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, अप्रॉक्सिमेटली 1100-1200 रुपए के आसपास का प्राइस पॉइंट है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है। अगर आपको एक ऑलराउंडर पैकेज चाहिए जिसमें आपको लाउडनेस बढ़िया, अच्छा म्यूजिक, बढ़िया आपको बेस इफेक्ट्स, अच्छी आपको कॉलिंग, बढ़िया आपको गेमिंग मिल जाए, लुक एंड फील भी काफी बढ़िया दिया गया है, कलर कॉम्बिनेशन को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बिल्ड भी आपको सही मिल जाएगी सिक्योर फिट के साथ, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, इसको आप डेफिनेटली बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स अंडर 1500 रुपीज एट दिस टाइम। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोल्ट Z60 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।